उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार यानी 6 मार्च को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उधम सिंह नगर जिला के प्रशासन ने मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की हुई थी, वहीं पुलिस प्रशासन का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गांधी पार्क में जनसभा को संबोधित किए, साथ ही नजुल भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसी दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत वाली जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आए। चुनाव आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री का जिले का अंतिम दौरा होगा। मुख्यमंत्री जिले को विकास योजनाओं का सौगात आम जनता को दिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने योजनाओं को शिलान्यास करने के साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से उनकी प्रतिभा क्षमता बाहर आ रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बना है, नौकरियों में लगातार नियुक्तियां भर्तियां की जा रही है। आप देख रहे होंगे कोई ऐसा दिन नहीं होता, कई हजारों हजार की संख्या में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में चयन हुए हमारे अभ्यर्थियों। लैंड जिहाद को, जड़ से संक्रमण को हटाने का अभियान हमने लिया हुआ है। देवभूमि के अंदर जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ने वाले, उसको नहीं बिगड़ने। उत्तराखंड में अब ऐसे दंगा करने वालों से, उस पूरे दंगे में होने वाले नुकसान को उन्हीं से वसूलने की वे देगी, हमने जो है अध्यादेश लाकर कानून बना दिया है कि आप जो भी इस प्रकार का काम करेगा उनसे सारी कीमत वसूली जाएगी, वो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। ऐसे के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उन नजुल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नौकरियों में भर्ती की जा रही है और साथ ही सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए लैंड जिहाद मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां देवों की भूमि है वहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही देवी देवता की भूमि पर मूल स्वरूप वाले लोग अगर कोई व्यक्ति दंगा करता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जो अध्यादेश और कानून लाए हैं उसके अंतर्गत दंगा फैलाने वाले लोगों को नुकसान होने पर उसकी भरपाई दंगा फैलाने वाले लोग ही करेंगे। इस तरह की बातें कही और साथ ही बता दें कि कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।